देखो कॉलेज पता है मेरे को मेन पसंद क्यों आता है, हाँ बोलो। ऐसा लग रहा है कि मेरी क्लास में बहुत सारे नए नए बच्चे आ गए हैं। अच्छा लड़कियां नहीं आई ना एक बार भी? कैंटीन इतना कचड़े जैसा भरा हुआ है ना पूरा, यहाँ पे मैं व्लॉग भी नहीं कर सकता। क्या भाषा, तो मैं इन लोग को बोल रहा हूँ चाय पीने तो चाय मेरी तरफ से, लेकिन अगर कुछ खाना पीना है तो तुम लोग खिलाओगे। नहीं नहीं एक वो ले लो एक। हाँ अरे कैसा है मेरे भाई, कैसा लगा तेरे को ट्रीट स्मिता? ट्रीट अच्छा था ना? मतलब हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं बहुत ज्यादा सही हूँ और मैं इतना ज्यादा खुश इस कारण हूँ क्योंकि आज फाइनली मेरा सेकंड सेमेस्टर का पहला दिन है कॉलेज का, और पहला दिन है और मैं बहुत ज्यादा लेट लतीफ हूँ, और उसी तरीके से अभी 7:56 हो चुका है, 8 बजे कॉलेज रीच टाइम था, पहुंचने का टाइम था, बट फाइनली मैं पहले ही दिन लेट कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, उसके लिए ज़्यादा दुख नहीं है मेरे को, बट ये चीज़ ज़्यादा दुख है कि मैं वहाँ पे पहुँच के एकदम ना 8 बजे का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। अब एक पीरियड बंक होगा ऑफ कोर्स, पहला ही दिन एब्सेंट लगेगा मेरा, तो नाश्ता करता हूँ निकलता हूँ। गाइज अगर आप लोग चैनल प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हैं अमन कुमार ब्लॉग्स, और जो मेरा पहला था ना पहला सेमेस्टर था वो मेरा पूरा ब्लॉग है पुराने चैनल में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, और यहाँ से आज नया जर्नी चालू हो रहा है, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा कॉलेज का, कितना भीड़ रहेगा, देखेंगे क्या क्या हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, देखेंगे कि कौन आया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बस यही है भाई, ऐसे तरीके से चालू है अपन का कॉलेज सेकेंड सेम। तो चलो बाबा टेक केयर, सीधा मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, नाश्ता वाश्ता करता हूँ उसके बाद फिर चलते हैं कॉलेज। तो अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, चीला और अचार, और भाई टाइम हो चुका है 8:05, और ब्लू लोग वहाँ पे लटके हुए हैं अपने जगह में, बस उन लोग भी इंजॉय कर रहे हैं अपना जीवन और मैं यहाँ पे नाश्ता इंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली कॉलेज पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ पर पार्किंग में पार्क भी कर दी गाड़ी, और जल्दी से चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है एक्चुअल में 8:23, मतलब अपन है 23 मिनट लेट लेक्चर के लिए, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। मैं दोस्तों को मैसेज कर देता हूँ भाई कि अगर पेपर में अटेंडेंस होगा तो मेरा नाम लिख देना, और अगर नहीं होगा तो छोड़ दो कैसे भी करके, देखा जाएगा। लेकिन देखता हूँ अभी भाई यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की गई क्या होता है कि ना कभी कभार आप पार्किंग में रहते हो, अगर कोई लड़के रहेंगे या फिर आपके दोस्त के रहेंगे ना या फिर पहचान के रहेंगे तो आप उनके सामने ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सुंदर लड़की छोटी हाइटेड एकदम क्यूट बंदी अगर जाते रहेगी ना आपके सामने से, आप उसके सामने कैमरा नहीं निकाल सकते हो, आप सिर्फ उसी लड़की को देखते रहोगे, वो जो मेरे साथ अक्सर होता है कॉलेज में, और कॉलेज में नहीं पता मैं उसको पहली बार देखा, उसकी गाड़ी वो है वहाँ पे स्कूटी पे क्या पता वो भी फॉक को देख रही है भाई, अलग लेवल का हो जाएगा। फिर के चाबी रखूंगी नहीं भाई मैं, हाँ चाबी यहाँ है, फोन मेरे हाथ में और हर चीज अंदर है, गाड़ी के डिक्की में कुछ नहीं है। चलो गाइस आप लोगों को बिलीव नहीं होगा मैं इस कैंपस को कितना ज्यादा मिस किया हूँ भाई, कॉलेज चालू दोबारा सेकंड सेमेस्टर, यस। अब ना सबसे पहले आज का काम यही रहेगा कि ना फर्स्ट सेमेस्टर की लड़कियों को देखेंगे, मतलब लड़के लड़की दोनों को देखेंगे जाके, क्या ही अब सेकंड सेम में आ गए थोड़े से, एक लेवल तो अप हो गया ना, सीनियर हो ही है थोड़े से, तो बस यही है भाई। टीचर लोग पहले अपन आते थे ना तो गाड़ी पूरी भरी रहती थी, लगता है टीचर लोग भी ना 10 बजे ही आएंगे, तो मैं तो इस हिसाब से लेट नहीं हूँ, मैं 24 मिनट लेट बड़ी बात नहीं होती। तो अभी अन्नपूर्णा भी कॉल करी थी मेरे को 17 मिनट पहले, मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद ही नहीं आया था, क्या ही उठाता। ये है अपन का बी ब्लॉक, अब मेरे को देखना पड़ेगा भाई कि अपन का रूम कौन सा है। ये है ए ब्लॉक, ये है बी ब्लॉक, काश ए ब्लॉक में हमारा रहे क्लास, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस में है। FB 13 का है यही वाले रूम है, इसी रूम है FB 13, ये है अपन का 18 और ये है पूरा। तो मैं अपना क्लास ढूंढा लेकिन अब मैं जा रहा हूँ नीचे वापस क्योंकि यहाँ पे नहीं पता मेरा कहाँ क्लास कौन सा है भाई, मिल ही नहीं रहा, पूरा रूम है हर क्लास है अपन का P1 Q1, अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे जा रहा हूँ कैंटीन के साइड क्योंकि 30 मिनट लेट हूँ मैं पहले, तो 20 मिनट लेट होगा तो चलेगा। तो अभी मैं आया था कैंटीन और कैंटीन से मैं ले रहा सामान, अभी कॉलेज आया हूँ, शुरू हो गया फाइनली आज से।
हाँ भैया मैं ही हूँ, मेरा वीडियो चल ही रहे। ठीक है दी, रिसेस में आता कैंटीन। तो अभी मैं आता कैंटीन। हाँ आज से चालू है। यस, तो मैं आया था कैंटीन, कैंटीन से मैं ले लूँ हैप्पीडेंट सेंटर फ्रेश। भाई मैं कितना मिनट लेट हूँ अब मैं, और पता है कैंटीन में अगर नॉर्मल बैठोगे ना तो भगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि अब क्लास में रहो पढ़ो। लेकिन अब मैं, मेरा क्या है कि मेरे को कुछ बोलेंगे नहीं और मैं लेट हूँ। मैं यहाँ पे बैठूँगा आराम से, देखता हूँ कुछ काम होगा तो काम कर लेता हूँ। भाई कोई कॉल नहीं उठाया, पता है लिटरली में कोई बंदा कॉल नहीं उठाया मेरा, ये बोल के कि क्लास चल रहा है। कोई तो उठाता, कोई मेरे को बता देता, व्हाट्सएप में मैसेज किया, वो भी कोई नहीं किया। कोई बात नहीं, सही है।